5000 साल पहले के प्राचीन भारत में प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध जीवन के हर पहलू को आकार देता था। यहाँ विविध परिदृश्य और समृद्ध परंपराओं के बीच लोग प्राकृतिक दुनिया के साथ सद्भाव में रहते थे। यही वह स्थान था जहाँ आयुर्वेद, जीवन और दीर्घायु का विज्ञान बोया गया, जिससे एक विरासत का निर्माण हुआ जो आज भी फलफूल रही है। अध्याय एक, प्राचीन भारत में जीवन। इस युग में प्रकृति जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करती थी और उसकी रक्षा करती थी। भारतीय उपमहाद्वीप के लोग धरती की संपत्ति पर निर्भर थे। अपने आसपास के क्षेत्रों में उगने वाले फलों, सब्जियों और पत्तियों का सेवन करते थे। वे उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके अपना पेट भरते थे। कुछ खाद्य पदार्थ कच्चे खाए जाते थे, जबकि अन्य को तैयार करने के लिए वे कुशल तरीकों का उपयोग करते थे। लोग तत्वों का उपयोग करना सीख गए थे, धोना, उबालना और मिलाना, ताकि पोषण युक्त भोजन तैयार हो सके। इस सरल संबंध ने पर्यावरण के लिए गहरा सम्मान विकसित किया। अध्याय दो, रोगों का उभरना और उपचार। फिर भी जीवन चुनौतियों से मुक्त नहीं था। जैसे जैसे समुदाय बढ़ते गए, वैसे वैसे स्वास्थ्य की जटिलताएं भी बढ़ी। कुछ संक्रामक, कुछ संचारित या एलर्जी के कारण रोग उभरने लगे। इन समयों में मानव कुशलता और प्रकृति के संसाधन मिलकर उपचार लाते थे। कुछ लोग बीमारी से हार गए, लेकिन कई ठीक हो गए, जिससे यह विश्वास मजबूत हुआ कि प्रकृति में हर बीमारी का इलाज है। इस निर्भरता ने स्वास्थ्य और कल्याण की गहरी समझ की नींव रखी। अध्याय तीन, पंच महाभूत की बुद्धिमता। बुद्धिमानों के बीच एक एहसास हुआ, मनुष्य ब्रह्मांड का सूक्ष्म जगत है, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतिबिंब है। कुछ विचारकों ने स्वीकार किया कि मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है और देखा कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में पंच महाभूत के रूप में उपस्थित है, वे हमारे शरीर में भी हैं, लेकिन विभिन्न रूपों में, जैसे पृथ्वी हड्डियों के साथ, जल रक्त के साथ, तेज पाचन अग्नि के साथ, वायु श्वास के साथ और आकाश शरीर के सभी खाली स्थानों के साथ। इस अवलोकन को बाद में लोक पुरुष साम्य सिद्धांत के रूप में जाना गया। इसे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कहा जाता है। व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच यह गहरा संबंध आयुर्वेद के दर्शन का मूल बन गया, जो लोगों के स्वास्थ्य, बीमारी और उपचार को समझने के तरीके को मार्गदर्शन करता था। अध्याय चार, आयुर्वेदिक उपचार की नींव। इस समझ के साथ आयुर्वेद एक व्यापक उपचार प्रणाली के रूप में उभरा। यह सिद्धांत शुरू हुआ कि जब भी शरीर बीमार होता है, हम पंच महाभूत और लोक पुरुष साम्य वादा को लागू करके प्रकृति से उपचारक एजेंट प्राप्त कर सकते हैं। जब भी शरीर में कुछ महाभूत की कमी होती है, तो इसे बाहरी प्रकृति से दिया जाता था। जैसे दस्त से पीड़ित व्यक्ति को भरपूर पानी दिया जाता है, ताकि उसकी कमी पूरी हो सके। इसी तरह अगर शरीर में कुछ महाभूत की अधिकता होती है, तो विपरीत गुणों वाली दवाएं दी जाती थी। इसे आयुर्वेद का सामान्य विशेष सिद्धांत कहा जाता है, जो आयुर्वेद का मौलिक उपचार सिद्धांत है। इन प्रक्रियाओं के विकास के दौरान प्रारंभिक विचार प्रक्रिया को ब्रह्मा शब्द द्वारा देखा जा सकता है। अध्याय पाँच, आयुर्वेदिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण। इन पवित्र अध्ययन स्थलों में आयुर्वेद का ज्ञान पीढ़ियों के माध्यम से पारित हुआ। प्रारंभ में यह ज्ञान मौखिक रूप से साझा किया गया था, कठोर अध्ययन और स्मरण के माध्यम से। महर्षि अत्रेय के मार्गदर्शन में अग्निवेश जैसे ऋषियों ने इस ज्ञान को ग्रंथों में दस्तावेजीकरण करने का कार्य शुरू किया। इन ग्रंथों में अग्निवेश तंत्र और अन्य महत्वपूर्ण कार्य उभरे, जो आयुर्वेद के ज्ञान का सार संकलित करते थे। इसी तरह धन्वंतरी महर्षि के मार्गदर्शन में सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता का दस्तावेजीकरण किया, जो आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा का आधार है।
अध्याय 6 ज्ञान को संरक्षित करने की चुनौतियाँ। आयुर्वेद की यात्रा चुनौतियों से भरी थी। बाल और आग जैसी आपदाओं ने कई प्राचीन पांडुलिपियों का दावा किया। आक्रमणों और युद्धों ने पुस्तकालयों और मंदिरों के विनाश की ओर अग्रसर किया, जिससे इस कीमती ज्ञान को खतरा हुआ। राज्यों के बीच आंतरिक संघर्ष और हमारी विरासत को जानबूझकर जलाने के कारण अमूल्य वैज्ञानिक अंतर्दृष्टियों का नुकसान हुआ। इन चुनौतियों के बीच समर्पित विद्वानों और शासकों ने जो कुछ हो सका उसे संरक्षित करने का प्रयास किया। कुछ महान पूर्वजों के धैर्य ने सुनिश्चित किया कि इस प्राचीन ज्ञान का हिस्सा जीवित रहा, जिससे आयुर्वेद की विरासत को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सका। अध्याय 7 चरक संहिता का विकास। जब अग्निवेश तंत्र आचार्य चरक तक पहुंचा, तो इसमें परिवर्तन हुए और कुछ हिस्से गायब हो सकते थे। इस संस्करण किया गया और इसे चरक संहिता के नाम से जाना गया। बाद में आचार्य दृढ़बल ने चरक संहिता के गायब हिस्सों को पूरा किया और यह संस्करण वही है जो हमारे पास आज है। यह लगभग 4वीं सदी सी का हो सकता है या इससे पहले का भी हो सकता है। भारत के दूरदर्शी राजाओं ने अपने शासन के तहत लेखकों की मदद से चरक संहिता की कई प्रतियां बनाई। लेखकों, संपादकों, टिप्पणीकारों, राजाओं, जनता और आयुर्वेद के चिकित्सकों के सामूहिक प्रयासों से हमारा विरासत संरक्षित है। अध्याय 8 आचार्य चरक कौन है। आचार्य चरक को अक्सर आयुर्वेद में एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता है, फिर भी इस पर कुछ बहस है कि चरक एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं या विद्वानों के एक सामूहिक समूह का। चरक नाम स्वयं किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो स्थान स्थान पर चलता है। यह संकेत देता है कि यह एक व्यक्ति की बजाय एक परंपरा या विचारधारा का संकेत हो सकता है। कुछ व्याख्याओं के अनुसार चरक प्रामाणिक आयुर्वेद विद्वानों के एक वंश को संदर्भित करते हैं, जिन्होंने आयुर्वेद के ज्ञान के विकास में योगदान दिया। यह विचारधारा माना जाता है कि महान ऋषि महर्षि अत्रेय के मार्गदर्शन में स्थापित की गई थी। चरक संहिता चरक को समर्पित प्रमुख ग्रंथ इस विस्तृत ज्ञान को संकलित करता है, जिसमें चिकित्सा, उपचार और समग्र स्वास्थ्य पर शिक्षाएं शामिल हैं। अध्याय 9 चरक संहिता की विरासत। आयुर्वेद के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सकों में से एक आचार्य चरक माना जाता है कि श्रावण के पवित्र महीने में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन जन्मे थे। यह शुभ दिन आयुर्वेद के विद्वानों द्वारा चरक जयंती के रूप में मनाया जाता है। 20वीं सदी में आचार्य यादवजी त्रिकमजी आचार्य ने उपलब्ध सभी पांडुलिपियों की मदद से चरक संहिता को संपादित और प्रकाशित करने का महान कार्य लिया। चरक संहिता सदियों के सामूहिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है और आयुर्वेद की सबसे बड़ी विरासतों में से एक मानी जाती है। आज आयुर्वेद समग्र स्वास्थ्य प्रथाओं को प्रेरित करना जारी रखता है, लोगों को प्राकृतिक उपचार और संतुलित जीवन अपनाने के लिए मार्गदर्शन करता है। अध्याय 10 चरक जयंती का उत्सव। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन हम चरक जयंती मनाते हैं। आयुर्वेद के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सकों में से एक आचार्य चरक का सम्मान करते हैं। उनके योगदान आज भी गूंजते हैं, हमें आयुर्वेद की गहरी बुद्धिमता और स्थायी विरासत की याद दिलाते हैं। जब हम इस दिन का उत्सव मनाते हैं, तो आइए आयुर्वेद के सिद्धांतों का सम्मान करें, अपने स्वास्थ्य और आत्मा को प्राकृतिक दुनिया के साथ सामंजस्य में पोषित करें।